बिल्ली का रास्ता काट जाना। छींक का आना। घर से निकलते समय किसी को टोकना। कांच का टूटना। दूध का उबाल गिरना। आंख भड़कना। टूटी चूड़ी हाथों में पहनना। नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशी अत्री। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अंधविश्वास में डूबे अपशगुन को। प्राचीन काल से चलते आ रहे अंधविश्वास को लोग कैसे अपशगुन मानते हैं, कभी बिल्ली के रास्ता काटने को लेकर तो कभी छींक आने को लेकर। इतना ही नहीं, आंख भड़कने लगे तो कुछ बुरा होने वाला है। अगर रसोई में दूध उबल कर गिर जाए तो अशुभ हो जाएगा। ये सब अंधविश्वास के अपशगुन कितना सही है और कितने गलत हैं, इसके बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य लक्ष्मी नारायण महाराज जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सब अपशगुन कितने सही हैं और कितने गलत हैं। नमस्कार, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। आज ये सगुन अपशगुन प्राचीन काल से चलते हुए आ रहे हैं। अधिक इसके अंदर विश्वास ही अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे आपने कहा है, बिल्ली का रास्ता काट जाना या छींक का आना या घरते समय घर में निकलते समय किसी का टोक देना, कांच का टूटना, आँख का फड़कना, ये सब शरीर से संबंधित हमारे कुछ रोग भी हैं और कुछ शगुन हैं जिसको हम शगुन अपशगुन के बीच में तोलते हैं। अंधविश्वास, जैसे हमने पहले बताया कि अधिक अति सर्वक्त वजते अति हर चीज़ की बेकार होती है। किसी विषय को जानना चाहिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा करने से क्या होता है, तो इसके लिए जो आपने पूछा है जी, उसका हम शास्त्रमति से भी और लौकिक मर्यादा के विधि से भी और आज की साइंस की दृष्टि से तीनों से आपको बताएंगे। आचार्य जी, अगर कोई रास्ते से जा रहा है, अचानक बिल्ली रास्ता काट जाए तो वह व्यक्ति रुक जाता है, चाहे कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो। इसे क्यों अपशगुन माना जाता है और कब से, क्या ऐसा हमारे वेद पुराणों में लिखा हुआ है? संशय आपने जो रखा है कि अचानक चलते रास्ते में चलते समय गाड़ी के आगे या पैदल चल कर उसके आगे बिल्ली का आ जाना, कोई शास्त्र मर्यादा इसमें हमको कोई मार्गदर्शन नहीं देती है, कोई वेद इतिहास हमारा इसमें कोई मार्गदर्शन नहीं करता है। इसको शगुन और अपशगुन से जोड़ा गया है। बिल्ली तुरंत तेजी से भागी जा रही है और आपने उसको देख लिया तो मन में संशय आता है। इसको हम अपशगुन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, वहम अवश्य कह सकते हैं, एक वहम आ जाता है। अब क्या करें, ना तो हमको और कोई रास्ता है नहीं कि हम दूसरे रास्ते चले जाएं। और इसमें शगुन अपशगुन का जो तात्पर्य है वो ये है कि अगर बिल्ली तीव्र गति से चली गई है तो आपको कोई वहम नहीं है। अगर बिल्ली भी बीच में रुक गई है तो आपको उस समय, अगर गाड़ी में है तो ब्रेक लगाइए और एक बैक गियर लगाकर और फिर आप अपने कार्य पर चले जाइए। साथ में आपके पानी है, थोड़ा सा पानी पी लीजिएगा और फिर अपना मार्ग तय कीजिएगा। इसमें कोई अपशगुन आपको प्राप्त नहीं होगा,
ये और ये भी जो हम बता रहे हैं सिर्फ एक मन को एकत्रित करने के लिए मन की सांत्वना का उपाय है, इसका कोई और छोर नहीं है। ये कब से शुरू हुआ? क्योंकि व्यास जी महाराज ने हमारे 18 पुराण बनाए हैं, एक 19वां पुराण जो है इसका नाम है बुढ़िया पुराण, इसलिए इसके भ्रम में ना पढ़कर अपने कार्य गति पर चलते रहना चाहिए। भगवान का नाम लीजिए और अपनी यात्रा को पुनः प्रारंभ कर दीजिएगा। महाराज जी, अक्सर देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है और अचानक से वहां वह छींक मार दे तो व्यक्ति कुछ देर के लिए काम छोड़ देता है, क्या ऐसा करना जरूरी होता है? यह भी अनिवार्य नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से अगर आप हम देखें तो छींक जो आती है वो छींक आती ही क्यों है? छोटे बच्चे को भी आती है, बड़े व्यक्ति को भी आती है। वास्तविकता में नासिका के अंदर छोटे छोटे वाल होते हैं, वो श्वास की गति से हिलते हैं, क्योंकि नासिका के अंदर का जो भाग है वो हमारा बहुत कोमल है, बहुत नाजुक है। वो जब हमारी खाल से टच होता है तो छींक आती है। छींक आने कारण ये है। कई बार ऐसा होता है कि छींक आने को होती है लेकिन आती नहीं है, छींक आने को होती है लेकिन वो छींक आती नहीं है। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जब ऐसा एहसास हो कि सिर भर चुका है, आंखें भारी हो गई हैं लेकिन छींक नहीं आ गई, तो आप ये अपनी रिंग फिंगर्स को लेकर और आंख के पलक के ऊपर हल्के से घुमाइएगा, टच कीजिएगा यहाँ धीरे से, तुरंत आपको छींक आएगी। क्योंकि आँख का और नाक का एक संबंध है, जैसे जुकाम हो जाता है तो आंखें अपने आप लाल हो जाती है, आंखों में पानी आ जाता है। तात्पर्य, छींक के कारण कोई काम रुकता नहीं है। अब ऐसा भी कहते हैं दो छींक आगे बराबर, चली चली अब ठीक हो गया, और कईयों को एक साथ इतनी छींकें आती हैं 5, 7, 10, 12, 15 लगातार आती गति आती गति आती गति है। उसका कारण यह है कि किसी के अंदर नासिका के अंदर छोटे बाल होते हैं, किसी बड़े बाल होते हैं। जिसकी नासिका में बड़े बाल होते हैं उसकी छींक की गति तीव्र होती है और उसकी संख्या भी कई बार ज़्यादा हो जाती है। इसलिए इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए कि छींक आ गई है अब ये काम नहीं होगा, काम पर जा रहे हैं छींक आ गई बोले रुक जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इसका वही कारण मैं बता रहा हूँ कि अगर आप घर में हैं आप थोड़ा सा एक घूंट पानी पीजिएगा और भगवान का नाम लेके अपने काम को प्रारंभ करें। आचार्य जी, घरों में देखा जाता है कि कोई किसी काम से बाहर जा रहा हो और उसे कोई पूछ ले कि कहाँ जा रहे हो तो वह रुक जाता है, कहता है टोक दिया, अब अपशगुन हो गया, काम नहीं बनेगा। वहीं घर में अगर कोई कांच का गिलास टूट जाए और कांच का अन्य कोई सामान टूट जाए तो अपशगुन मानते हैं, इतना ही नहीं रसोई में दूध उबलकर गिर जाए तो भी अपशगुन मानते हैं, आखिर क्यों? हम इसको भी अपशगुन नहीं कहेंगे। अब कई बार माँ ने कहा कि ये सामान लेके आना और वो कुछ सामान बताना भूल गई, आप दरवाजे पे पहुँच गए, आपको पीछे चबाई दी कि दाल तो लानी है साथ में आलू भी लेते आना, तो ये कोई अपशगुन नहीं है। अपनी याद को पुनरावृत्ति कराना ये कोई अपशगुन नहीं है, इस भ्रम में ना पड़कर। और फिर वही सब रोगों की एक दवा कि जब आपको ऐसा भ्रम मन में ऐसा एहसास आ जाए तो आप जल पीजिएगा और जल पीकर भगवान का नाम लेकर पुनः अपने कार्य को चल दें। इसमें कोई शगुन और अपशगुन से नहीं जुड़ना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये जानना चाहिए। और जैसा कि साथ में आपने बोला कि किसी कांच का टूट जाना या दूध का गिरना, कांच के टूटने को हम एक दृष्टि दोष कह सकते हैं, इसको दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका भी हमारे शरीर से एक लॉजिक है कि दर्पण झूठ ना बोले। कांच भी दो प्रकार के होते हैं, एक कांच जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, टूटे कांच में चेहरा देखना एक अपशगुन माना जाता है। गाड़ी में भी अगर शीशा टूटा हुआ तो एक अपशगुन माना जाता है, क्योंकि उसमें अपना चेहरा भी अभद्र और टूटा हुआ नजर आएगा। इसलिए कांच के टूट को एक सघन अपशगुन से हम जोड़ सकते हैं। लेकिन एक जो साधारण कांच टूटता है, दीवार से कांच टूटता है, कोई दीवार में फोटो लगी हुई है वो अचानक गिर जाती है, इसको हम अपशगुन से जोड़ देते हैं, इसका कोई अपशगुन से कारण नहीं है। क्यों? कई बार पृथ्वी के हल्के से ऐसे भूकंप आते हैं जो हमको महसूस नहीं होते, उस कारण से भी कोई लकी फोटो गिर जाती है,
कोई लटकी हुई फोटो भी गिर जाती उसको अपशगुन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। दूध का उबलते हुए गिर जाना, इसको भी हम अपशगुन से जोड़ते, इसको भी अपशगुन से नहीं जोड़ना चाहिए। दूध और युवा पूत, इन दोनों को अपनी दृष्टि में भर कर रखना चाहिए। जब दूध उबालने रखा है तो आपको दूध के पास खड़ा होना चाहिए, अधिक गैस का, अधिक अग्नि का उसमें जो है तेज हो जाना या हमारा किसी और कार्य में लग जाना। और दूध, दूध को तो अपनी जो अग्नि की गति है, जो अग्नि का तेज है, उसके हिसाब से उबलना है, उसको बाहर निकलना ही निकलना है, उसको हम अपशगुन से क्यों जोड़ कर देखें। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी नज़र कहीं और गई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसी प्रकार दूध पे से ध्यान हटा और दूध पतीले से या चायदानी से जिस बर्तन में रखा हुआ है वो उससे बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से जब हमारे बच्चे की या बच्चे की उम्र आज की स्थिति को देखते हुए 15 साल से ऊपर होती है तो 15 साल से 20 साल तक बच्चे को भी अपनी दृष्टि में रखना चाहिए। बच्चा कब कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, किससे मिल रहा है, और अगर इसमें हमने थोड़ी सी भी असावधानी बरती तो दूध भी पतीले से बाहर जाएगा, हमारा बच्चा भी हमारे अंकुश से, हमारे आश्वासन से, हमारे विश्वास से बाहर चला जाएगा। महाराज जी, आँख मनुष्य का मुख्य अंग माना जाता है जो कि प्रकृति की देन है। अगर वो भड़कने लगे तो लोगों को लगता है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। महिला की दाईं आँख भड़के तो अशुभ और पुरुष की बाईं आँख भड़के तो अशुभ। महिला द्वारा पहनी हुई हाथों में चूड़ियाँ टूट जाए तो भी अशुभ। आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत गहराई का आपका प्रश्न है। इसका संबंध हमारे शास्त्र से भी है। अंग फड़कना गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर भी इसका विवरण दिया है। फड़क बाम अंग जन कहाँ देही, स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ होता है, पुरुष का दायां अंग फड़कना। सिर्फ आँख से संबंध नहीं है इसका, मैं सारे शरीर का संबंध बता रहा हूँ आपको। स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, पुरुष का दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? अब दायां और बायां का क्या इसमें जो है संबंध है? क्योंकि पुरुष के बाएं भाग पर अपने हृदय गति है, जिसको हम दिल बोलते हैं, जहां दिल धड़कता है, इसलिए पत्नी का स्थान बामांग है। और शास्त्रों में मर्यादा के अनुसार हमसे वरिष्ठ, हमसे कोई श्रेष्ठ, हमसे पूजने कोई व्यक्ति आता है तो हम उसको अपने सीधे हाथ पे स्थान देते हैं, क्योंकि पुरुष शास्त्र की मर्यादा के अनुसार, प्रकृति की मर्यादा के अनुसार सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, इसलिए वो स्त्री के दाएं अंग पर बैठता है। और क्योंकि पत्नी को हृदयांगनी भी कहा गया है, हृदय की गति हमारी बाम अंग है, इसलिए उसको हम बाएं अंग पर बिठाते हैं। इसलिए स्त्री का बाएं अंग फड़कना शुभ बताया गया है, पुरुष का दाएं अंग फड़कना शुभ बताया। क्यों? क्योंकि दाएं तरफ हमारे कौन है? दाएं तरफ हमारे पूज्य हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे पितृदेव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, तो वहाँ से एक आशीर्वाद का स्वरूप आता है। अगर हमारा ये दाएं अंग हिल रहा है, अलग अलग फड़क रहा है, चाहे वो आँख है, चाहे वो हाथ है, शरीर का कोई भी अंग फड़क रहा है, तो हमको शुभ संकेत का दर्शन देता है। ठीक उसी प्रकार से पत्नी बाएं अंग पर बैठी हुई है, उसका जब बाएं अंग फड़कता है तो उसको श्रेष्ठ माना गया है। और इसके विपरीत अगर स्त्री दायां फड़कता है तो वो कहते हैं कुछ अपशगुन होने वाला है। दूसरे, जब विवाह होता है, विवाह में कन्या को जो है बाएं अंग पर बिठाया जाता है। पूजा से पहले, 7 वचन से पहले वो दाएं हाथ पर बैठती है, क्योंकि वो लक्ष्मी का रूप होती है, लक्ष्मी महान है, लक्ष्मी श्रेष्ठ है, लक्ष्मी पूजनीय है, उसको पत्नी स्थान अभी नहीं मिलता। जब 7 वचन हो जाते तब उसको बाएं स्थान दिया जाता है, और हमेशा पूजा में, पाठ में, शुभ कार्य में उसको फिर बाएं स्थान ही रहता है, क्योंकि दाया जो स्थान है वो श्रेष्ठ व्यक्ति का है। जगत जननी माँ पार्वती ने रामचरितमानस में आया है कि भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने स्वयं शिव की आराध्या
जगत जननी माँ सीता का रूप बनाया, वापस लौट के आई। भगवान ने पूछा क्या आपने परीक्षा ले ली? बोले नहीं नहीं मैंने ऐसी कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान संकल्प तो त्रिकालदर्शी हैं, वो जान गए। उन्होंने फिर उनको अपने बाएं स्थान पर नहीं बिठाया, कहा कि अब आप इस स्थान पर बैठने योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने हमारे इष्ट प्रभु श्री राम की पत्नी का, हमारे इष्ट हमारे पिता के समान है, हमारे गुरु हैं, हमारे पूज्य हैं, आपने उनकी पत्नी स्थान लिया, अब आपको ये स्थान नहीं मिलेगा। और उनको अपने दाएं हाथ पर स्थान दिया कि अब आप हमारी पूजनीय हैं। और फिर जगत जननी माँ पार्वती ने पुनः तपस्या की, क्योंकि उनका तो हर जन्म में भगवान शंकर से ही संबंध रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के अंदर लिखते हैं कि माँ गौरा ने तो हर जन्म में एक प्रतिज्ञा की थी कि जन्म लाग यह रगड़ हमारी और बरहूँ शंभु नहीं रहूँ मैं कुआरी, बरहूँ शंभु नहीं रहूँ मैं कुआरी। तो भगवान शंकर की जो लीला हमने आपको बताई रामायण के द्वारा, ये अंग का फड़कना सगुन अपसगुन माना गया है। बाकी आज के युग में हम तो ये कहेंगे पढ़ा लिखा सब समाज है, इन सगुन और अपसगुन से निकलकर और जागृति हमको जीवन में लाने की आवश्यकता है। जब कभी ऐसा महसूस हो तो मैंने फिर बताया कि थोड़ा सा जल पीजिए, अपने भगवान का, अपने इष्ट का, अपने माता पिता का नाम लीजिए और अपनी यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए। और जैसा अभी आपने एक क्वेश्चन और भी किया था, एक प्रश्न और भी रखा था कि टूटी चूड़ी हाथ में नहीं पहनते, बोले चूड़ी मोड़ गई है, बोले इसको बढ़ा दो, इसको उतार दो। चूड़ी का टूटना भी एक अपशगुन से जोड़ा जाता है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि चूड़ी का टूटना अपशगुन नहीं है। ये हमारे लॉजिक है, एक हमारी जो है वृद्ध माताओं द्वारा, बुजुर्गों द्वारा एक मार्गदर्शन है, और इसका शरीर से बड़ा गहरा संबंध है। आप जानते हैं जरा सा बच्चे थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, आपस में बच्चों की जो कोई बात नहीं बनती, माता पिता की कोई बात नहीं बनती, तो लिया यहाँ पर नस काट दिया करते हैं, नस काट लेते हैं। यहाँ हमारे एक खून की नस है जिसका पूरा शरीर से संबंध है, सारे शरीर का खून यहाँ से ही संचाल होता है। अगर टूटी हुई चूड़ी हम अपने हाथ में डालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नाजुक नस से उसका कोना टच हो जाए, उसका कांच टच हो जाए। इसलिए कहते हैं कि टूटी चूड़ी पहनना अपशगुन है। अपशगुन ऐसा नहीं है, अगर कोई जोड़ लगा है तो आज नहीं तो कल वो खुल भी सकता है, वो टूट भी सकता है। अगर धागा टूट जाता है वो कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि उसको जो है किसी लेप से ऐसा जोड़ दिया जाए वो पुनः उस दृष्टि में हो जाए। रहमान जी हमारे बहुत अच्छे रसिक हुए हैं, बहुत अच्छे जो है उन्होंने एक शब्द लिखा है, अपना दोहा लिखा है, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े तो जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो जो चीज़ जुड़ी है उसका टूटना स्वाभाविक है, अचानक टूटना भी स्वाभाविक है, तो इसको सगुन अपशगुन से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको विज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं तो हम फिर पुनः आपको बता रहे हैं कि हाथ की नस है, इस नस को सुरक्षित रखने के लिए ही हमारी पुरानी माताएँ, हमारी पुरानी बहनें, हमारी जो है बुजुर्ग देवियाँ कहती हैं कि टूटी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। और इन सगुन और अपशगुन से मैं तो फिर कहता हूँ कि इस अंधविश्वास से निकलकर हमें अपने जीवन में जागृति लाना है, अपने बच्चों को जगाना है और हमारे अपने भारतवर्ष को महान और श्रेष्ठ बनाना है। आचार्य जी, गांव में अक्सर बड़ी दिलचस्प बात सुनी और देखी जाती है, जिस घर में शादी के बाद बहू आती है तो उसके पैर देखे जाते हैं, अगर उसके पंजे में गैप है तो ठीक है, अगर नहीं है और पूरा पैर सपाट है तो अपशगुन है, बहू घर के लिए शुभ नहीं है, ऐसा क्यों? उसकी बनावट भगवान ने ही तो बनाई है, तो अपशगुन कैसे हो सकता है? यह भी बात आपकी बहुत सुंदर है, इसका भी हमारा शास्त्र से और गृहस्थी की मर्यादाओं के अनुसार इसका बड़ा संबंध है। ये निश्चित है कि स्त्री और पुरुष, नर नारी, जीव जंतु, ये सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। अब जैसा परमात्मा बनाया वो वैसा ही हो सकता है, उसके गैप वो अपने आप से तो रख नहीं सकते, लेकिन ये शुभ और अशुभ की पहचान ये जन्मजात ही हो जाती है। जिस
ये भी आप देखते ना कि जो गृह प्रवेश जब होता है, घर में जब बहू प्रवेश करके आती है तो कई जगह लाल रंग लगाकर उसका निशान लिया जाता है, कई जगह चावल का कलश भरकर उसको पैर लगाकर, वहाँ जो श्यानी महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं, वो यही देखती है कि इसका पैर कैसा है, इसका पैर पट है या इसके पैर में गैप है। जिसके पैर में गैप होता है उसको हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारी देवियां कहती है ये लक्ष्मी रूप है, ये लक्ष्मी का अवतार है। अब देखिए, दोनों स्त्री हैं, लक्ष्मी घर घर पूजनीय है और लक्ष्मी की बड़ी बहन है, इसका नाम है दरिद्रा। दरिद्रा कोई नहीं बुलाता, और वही पाँव का फर्क है। दरिद्रा का पैर प्लेन है, पैर पट है, जहाँ जाती है वहाँ दरिद्रता दरिद्रता आती है, कोई नहीं चाहता घर में हमारे दरिद्रता आए। और लक्ष्मी है वो, क्योंकि चरण कमलों की भगवान की सेवा करती है, वो पतिव्रता है। जो पतिव्रता है उसके लक्षण पहले ही परमात्मा निश्चित करके भेजते हैं, ये गृह लक्ष्मी होगी, ये पतिव्रता होगी, ये सुलक्षणी होगी। और जो दरिद्रा का रूप है, दोनों बहन है दोनों, लेकिन दरिद्रा का पैर पट है और लक्ष्मी के पैर में थोड़ा सा, ये सब ये शगुन अपशगुन की पहचान है। महाराज जी, इन सब अपशगुन बातों के जन्म देने वाले कौन है? कोई संत महात्मा बताता है तो कोई हमारे पूर्वजों की चलती आ रही प्रथा बताता है, इसके बारे में क्या विचार हैं आपके? इसको हम प्रथा से ही जोड़ सकते हैं, किसी संत महात्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। संत महात्मा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, वो तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, इसलिए उनका नाम गुरु है। गुरु कोई विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम गुरु है। तो संत महात्मा को हम इससे नहीं जोड़ सकते। हाँ, इसको हम फिर पहली बात पे आते हैं कि इसको हम बुढ़िया पुराण से जोड़ सकते हैं। 18 जो पुराण है वो हमारे वेद व्यास जी ने बनाए हैं, ये 19वां पुराण है, ये हमारी वृद्ध माताओं का, देवियों का, ये सगुन अपशगुन उनसे जोड़कर हम देखते हैं। और इनके प्रति अंधविश्वास रखना, अगर पैर पट भी है, स्त्री का पैर पट भी है और हमारे घर की अर्धांगिनी बन के आती है, तो हम अपने प्यार के कारण, अपने आचरण के कारण, अपने संस्कारों से उसके उस जो प्रथा जुड़ के आई है उसको हम बदल सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अगर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। अगर हमारा आत्मस्नेह है उसके साथ, अगर पैर पट भी अगर पत्नी हमारे घर में आई है, हमारा उसके साथ प्रेम है, हमारा उसके साथ प्यार है, हमारा प्रेम प्यार उसकी उस अपशगुन को भी शगुन में बदल देगा, उसकी नफरत को प्यार में बदल देगा। ये हमारे अंदर अपने गुण होने चाहिए, हम अपने गुणों के द्वारा हम परमात्मा के नियम को भी बदल सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ये सब कुछ हमको इन अंधविश्वासों से बाहर निकल के आना है। पहले क्या होता था, पहले कम पढ़े लिखे व्यक्ति हुआ करते थे, शिक्षा दीक्षा का अभाव था। आज हर साधन हमारे समाज में है और हमारा ये भारतवर्ष 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है। जापान ने जो आज जहाज टेक्निकल पूजे बनाए, ये सब हमारे वेद पुराणों में हमारे ऋषियों ने पहले ही बना दिए हैं। अब हमको ज्ञान को विचारना है, ज्ञान का मंथन करना है। ज्ञान को मंथन करने से विज्ञान की रचना हुई, विज्ञान को ही साइंस कहा गया है और इस साइंस को जानने वाले को ही साइंटिस्ट कहा गया है। हमारा भारत ज्ञान का भंडार है, गुण का भंडार है। हमारे भारतवर्ष में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ज्ञान को समझने और परखने वाला चाहिए। हम तो फिर यही कहेंगे कि अपने ज्ञान को प्रकाशित कीजिए, अंधकार से बाहर आइए, अंधविश्वास से बाहर आइए, अपने आप को जागृत कीजिए, अपनी पीढ़ी को जागृत कीजिए। हमारी पढ़ाई का, लिखाई का, हमारे जो है गुणवान होने का तभी कोई लाभ है जब उसका मार्गदर्शन करके भटके हुए एक राही को भी एक अच्छे मार्ग का दर्शन करें। महाराज जी, स्टूडियो में पधारने और अंधविश्वास में डूबे अपशगुनों के बारे में जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे खास कार्यक्रम अंधविश्वास में डूबा अपशगुन। इस कार्यक्रम में इतने ही, खुशी अत्री को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बीवीएम न्यूज। बिल्ली का रास्ता काट जाना।
छींक का आना। घर से निकलते समय किसी को टोकना। कांच का टूटना। दूध का उबाल गिरना। आंख भड़कना। टूटी चूड़ी हाथों में पहनना।